की वैक्सीन लगवाने वालों के लिए बुरी खबर। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूला सच। कोविशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। अगर आप बीमार हैं और आपको दी जाने वाली दवा ही आपकी मौत बन जाए, सोचिए। जिस दवा को आपको ये कहकर दिया जा रहा हो कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बाद में पता चले कि इस दवा से आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, तो क्या होगा? डरिए नहीं, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए भारत में लोगों को कोविशील्ड नाम की वैक्सीन दी गई थी। वैक्सीन को महामारी से निपटने में बेहद कारगर बताया गया। मौजूदा सरकार ने भी वैक्सीन को सेफ बताया और देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की वकालत की थी। लेकिन जो खबर अब कोविशील्ड को लेकर आई है, उसे सुनकर एक बार आप भी सन हो सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। गंभीर यानी कि हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सब से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड को वैक्सीन, पूरी तरह से जांची परखी हैं और हमारे वैज्ञानिकों ने हर कसौटी पर खरा कसा है, हर कसौटी पर परखा है, कसा है, उसके बाद लगाने का देश ने फैसला किया है। एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया भर में तबाही मचा दी, कोरोना जिसने ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर लिया, ना जाने कितनी माँ की गोद को उजाड़ दिया और ना जाने कितनी सुहागनों के सिंदूर मिटा दिए। और इसी कोरोना से निपटने के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पुणे में तैयार किया था, जिसके बाद भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लगाया भी गया इसे। वही महामारी के करीब 4 साल बाद अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की हाई कोर्ट में कबूल किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा बन जाता है। ये मामला खुला भी कुछ ऐसे ही, जब कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी के खिलाफ ब्रिटेन के शख्स ने केस दर्ज कराया और आरोप लगाया कि वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहा है, साथ ही वो ब्रेन डैमेज का शिकार भी हो गया है। वहीं अब कंपनी के कबूलनामे से ये क्लियर हो गया है कि वैक्सीन की डोज ने गंभीर खतरों को न्योता तो दिया है, जिसके बाद कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया है और मुआवजे की मांग भी की है। लंबी कानूनी प्रोसेस के बाद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने साइड इफेक्ट्स की बात कबूल ली है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? अगर कंपनी कुछ खास मामलों में वैक्सीन की वजह से गंभीर बीमारी या मौत होने की बात मानती है, तो उसे भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। भारत में भी कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों ने हार्ट अटैक से अपनी जान गंवाई है। वहीं कई मरीजों की जांच के दौरान पता चला है कि हार्ट की आर्टरीज में खून के थक्के बन गए थे। थक्के बनने से हार्ट को ब्लड पंप करने में परेशानी हुई और दिल का दौरा पड़ने से मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना की वैक्सीन को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खुद सामने आए और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। आज किसी को स्ट्रोक आता है तो कहते हैं कि एक कोविड वैक्सीन की वजह से स्ट्रोक आता है। आईसीएमआर ने डिटेल स्टडी उसके ऊपर कर लिया। हार्ट अटैक के लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अब कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के कबूलनामे के बाद हार्ट अटैक और वैक्सीन के तार आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे भारत में भी वैक्सीन को लेकर विवाद बढ़ने की आशंका है, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद ये बात कोर्ट में कबूली है कि उसकी वैक्सीन से खून में थक्के जम सकते हैं।
इस कबूलनामे के बाद कोर्ट में आगे की कार्रवाई क्या मोड़ लेगी, इस पर सभी की नजर रहेंगी। लेकिन इतना तय है कि वैक्सीन को लेकर भारत में भी सवाल उठेंगे, साथ ही ब्रिटेन की तरह भारत में भी कोर्ट केस की बाढ़ आ सकती है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।